देखिए, जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना काल के बाद यह जो दिवाली थी ये काफ़ी खास मानी जा रही थी, और उसी चीज़ को यहाँ पर इंदौर के लोगों ने सार्थक किया है। और अब जो है लगातार इंदौर में कोरोना के जो मरीज़ हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं। पिछले दिन की बात करें तो लगातार कोविड के जो मरीज़ थे उनकी संख्या बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद अब जो है इंदौर में दीपावली का उत्साह देखने को मिल रहा है। पाँच दिन का दीपावली जो उत्साह इंदौर पूरे इंदौर में मनाया जाता है, वही अब पूरे इंदौर में देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पर ग्राहकों के साथ साथ जिस प्रकार के जो व्यापारी हैं उनके चेहरे लगातार खिले हुए हैं, और उनको उनके द्वारा यही माना जा रहा है कि जो इस बार का जो व्यापार है वो काफ़ी अच्छा व्यापार होने की संभावना है। क्योंकि पिछली दिवाली पे जिस प्रकार से कोरोना संक्रमित जो मरीज थे और जो कोरोना का संक्रमण था उसका खतरा लगातार बढ़ा हुआ था, और उसी के साथ अब जो है हमारा इंदौर वैक्सीनेशन में नंबर वन हो चुका है। 100% पूरे इंदौर में वैक्सीन लग चुकी है, और उसी के साथ सेकेंड डोज भी वैक्सीनेशन लगातार जारी है। और उसी को देखते हुए इंदौर में जिस प्रकार से लोगों में कोरोना का जो डर था वो अब खत्म होता नजर आ रहा है, और यहाँ पर अब जो है चारों तरफ दीपावली की धूम मची हुई है। पूरा बाजार सज चुका है, तमाम जो सरकारी जितनी भी इमारतें हैं उनको पूरा लाइटिंग से सजाया गया है। उसी के साथ पूरे शहर में सभी प्रतिष्ठान अपने अपने रूप में सजे हुए नज़र आ रहे हैं, और अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिस प्रकार का व्यापार यहाँ पर हो रहा है, अर्थव्यवस्था इंदौर की जिस प्रकार से बनती जा रही है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर को आर्थिक राजधानी कहा जाता है, और उसी आर्थिक राजधानी का इंदौर यहाँ पर अपना नाम जो है एक साबित करने में लगा हुआ है। और इंदौर आर्थिक रूप से काफ़ी अच्छी स्थिति में है, और अभी यहाँ पर जिस प्रकार से सभी व्यापार जो है अच्छी यहाँ लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, इंदौर में जो जितने भी व्यापारी हैं काफ़ी खुश हैं, और उनका यही मानना है कि इस बार की जो दीपावली है उस पे रिकॉर्ड तोड़ व्यापार है जो पूरा इंदौर यहाँ पूरा करेगा। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।